हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अब हम लोगों का आज क्या लेकर आए हो सर? आज कुछ नहीं, अब हम लोगों की क्लासेस यूट्यूब में ही चलेगी। इट मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूँ ठीक से समझना। कुछ बच्चे मेरी क्लासेस परचेज नहीं कर पाए। ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस मैनुअल के कुछ क्वेश्चन में डाउट है और मेरी क्लास नहीं है, तो हो सकता है वो क्वेश्चंस आपसे ना बन रहे हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो एक काम करना आप, जैसे मैं आज एक क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है उसको मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। आपको ऐसे ही अगर क्वेश्चन में प्रैक्टिस मैनुअल स्पेशली अगर पीएम के क्वेश्चन में डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए। अगर मुझे ऐसा लगता कि वाकई यार क्वेश्चन में कुछ बात है तो मैं पक्का रिकॉर्ड करके डेली आपको क्वेश्चन वाइज यूट्यूब मेरे चैनल पर आपको डाला करूँ। ठीक है, तो इसी में से एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 53, प्रैक्टिस मैनुअल फॉरेक्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 प्रैक्टिस मैनुअल ही उठाओगे। और सर ये प्रैक्टिस मैनुअल कब की है? ये प्रैक्टिस मैनुअल मिलेगा आपको, न्यू एडिशन है, मतलब रिवाइज्ड एडिशन अक्टूबर 2018 वाला है। क्वेश्चन नंबर 53, पेज नंबर 12.53। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये क्वेश्चन यहाँ हमारे पास सामने है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ ठीक से और जहाँ मुझे लगेगा मैं यहाँ क्वेश्चन पर फोकस करूँगा कि क्या बात। अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। लिखा है क्वेश्चन नंबर 53 में कि सन लिमिटेड इज प्लानिंग टू इम्पोर्ट इक्विपमेंट फ्रॉम जापान। सन लिमिटेड शब्द लिखा है, लिमिटेड का मतलब जनरली हम मानते हैं कि हम इंडिया और हमें इक्विपमेंट खरीदना है कहाँ से? जापान से। और जापान में कौन सा करेंसी चलता है? ये इसको मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको बात समझ में जाएगी। तो कहाँ की बात है? इंडिया। कोई पर्सन है सन लिमिटेड और ये है जापान। कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है? जापान से। इट मीन्स सन लिमिटेड इम्पोर्ट कहाँ से कर रहा है? जापान से इम्पोर्ट कर रहा है। ये लो भाई इम्पोर्ट। जापान में येन चलता है तो हमें कौन सी करेंसी पे करना? अगर रुपीज ही पे करना तो बात खत्म हो जाती है, पर प्रॉब्लम ये है कि हमें जो पेमेंट करना है वो येन में करना है। और कितना येन? 3400 लैक्स, इतना येन का पेमेंट करना। द कंपनी, आगे लिखा द कंपनी में अवेल लोन एट 18% पर एनम विद क्वार्टरली रेस्ट। अब भाई मशीन खरीदना है, मशीन खरीदना है तो हमें जापान वाले को किस करेंसी में पेमेंट करना है? येन। अब मान के चलो कि येन हमारे पास तो है नहीं, ठीक है सर, क्या करें? सर उधार ले लेते हैं। बट येन उधार नहीं मिलेगा। अगर मैं इंडिया की बैंक में जाऊं तो मुझे वहां से रुपया उधार मिलेगा और उस रुपए से फिर मैं येन खरीद के पेमेंट कर सकता हूँ। इट मीन्स फंड की जरूरत है कंपनी को, क्वेश्चन से ऐसा समझ में आ रहा मुझे। चलो तो बोले कंपनी में अवेल लोन इन 18% पर एनम विथ क्वार्टरली रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी, ये हम कोई इंडियन बैंक है, वहां से पैसे उधार ले सकते हैं ये बैंक। सर कितना परसेंट है? फिर लिखा 18% पर एनम विथ, इंपॉर्टेंट है, क्वार्टरली रेस्ट। लिखा 18% पर एनम विथ क्वार्टरली रेस्ट। सर ये क्वार्टरली रेस्ट क्या हुआ? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब हुआ कि पैसे जो उधार ले रहे हैं वो ले रहे 18% पर एनम विथ क्वार्टरली रेस्ट। क्वार्टरली रेस्ट का मतलब था क्वार्टरली कंपाउंडेड। सर कितने पीरियड के ले रहे हैं? यहां तक तो क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा कि कितने पीरियड के लिए हम उधार ले रहे हैं। बस इतना है कि हम यहां से रुपया उधार लेंगे, उसका येन खरीदेंगे और जापान वाले को पेमेंट करेंगे। इस बैंक को कब पेमेंट करना हमको नहीं मालूम, ठीक है सर, आगे शायद पता लग जाएगा। लिखा क्वार्टर विथ विच इट कैन इंपोर्ट द इक्विपमेंट, यहां तक बात समझ। आगे इंपॉर्टेंट लाइन है द कंपनी हैज आल्सो एन ऑफर फ्रॉम ओसाका ब्रांच ऑफ इंडिया बेस्ड बैंक। सर ओसाका, ये कहाँ ओसाका? ये बेटे जापान में है, जापान में कोई सिटी है और वहां की भी एक बैंक है। अच्छा
अच्छा सर ये बात है। हाँ बेटी ये हो गया जापान की बैंक, जापानीज बैंक। सर ये जापान की बैंक है लेकिन ये जापान में ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? इंडियन कंपनी की, इंडियन बैंक। ये है कि इंडियन बैंक, बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ वाली लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये रहा, तो जो जापान की ब्रांच है वो हमें, द कंपनी कैन आल्सो एन ऑफर फ्रॉम ओसाका ब्रांच ऑफ एन इंडियन, इंडिया बेस्ड बैंक। हमारी कोई बैंक होगी इंडिया की, उसकी कोई ब्रांच है जापान में, वो हमको ऑफर कर रहा है कितना परसेंट? 2% पर एनम। यहां क्वार्टरली रेस्ट नहीं लिखा। इसका मतलब कोई जापानीज बैंक है वो बोल रही है, भाई आप इंडिया वालों से क्यों उधार ले रहे हो? आप एक काम करो, सन लिमिटेड, हमसे ही उधार ले लीजिए, हमसे उधार ले लीजिए, येन में उधार ले लीजिए यहां तो, और आप इसको पेमेंट कर देना, दैट्स इट। यहां से हम येन उधार लेंगे और इसको पेमेंट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा सर, सर तो इसको तो पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ इसको पेमेंट करेंगे, देख लेते कितने दिनों के लिए उधार लेकर मिला। द कंपनी हैज ऑल्सो एन ऑफर फ्रॉम ओसाका ब्रांच ऑफ एन इंडियन बेस्ड बैंक एक्सटेंडिंग क्रेडिट ऑफ 180 डेज। इंपॉर्टेंट है, 180 दिन, 6 महीने के लिए हमको उधार मिल रहा है। कितने परसेंट पे उधार मिल रहा है? 2% पर एनम अगेंस्ट ओपनिंग ऑफ एन ई रिकवरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। समझ रहा सर, इंडिया की तो बात समझ में आती है, कोई जापानी बैंक हमको क्यों उधार देगी? और अगर हमने उस जापानी बैंक को पैसा नहीं दिया तो सबसे बड़ी बात है। तो सुनो ध्यान से, इनका ये कहना है कि ये बैंक हमें उधार तब देगी जब हमारे यहाँ की कोई इंडियन बैंक, हमारे यहाँ की कोई इंडियन बैंक इसको गारंटी दे दे, लिख कर दे दे कि अगर सन लिमिटेड पैसा नहीं देगा तो हम आपको पैसे देंगे। अल्टीमेटली मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्या दिया जा रहा है? गारंटी। कौन दे रहा है गारंटी? इंडियन बैंक। किसको? जैपनीज बैंक को, कि अगर सन लिमिटेड को आप उधार दे दीजिए, अगर सन लिमिटेड पैसा नहीं देता है तो हम आपको पैसे देंगे। यहां तक बात समझ में आती है सर? तो इसको तो ब्याज जाएगा, इंटरेस्ट, इसको भी तो कुछ देना पड़ेगा। हाँ ये आगे बताएगा, क्वेश्चन आगे पढ़ा है। आगे कुछ एक्सचेंज रेट लिखा हुआ है, उसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि हमको क्वेश्चन बना दे। प्रेजेंट एक्सचेंज रेट मतलब स्पॉट रेट लिखा हुआ है। स्पॉट रेट थोड़ा ऐसा लिखा हुआ है, ₹100 इज इक्वल टू येन 340, और फॉरवर्ड रेट 180 डेज का लिखा हुआ है, ₹100 इज इक्वल टू येन 345। ठीक है। अच्छा आगे और एक बात लिखी, कमीशन चार्जेस फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट। कमीशन तो लेगा ये जब ये लेटर दे रहा तो कमीशन भी तो लेगा इंडिया बैंक। कितना परसेंट? कमीशन लिखा हुआ, कमीशन 2% फॉर 12 months। हमें तो 6 महीने के लिए चाहिए। तो क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन तो बड़ा सीधा हुआ। क्वेश्चन सीधी सी बात है, या तो आप इंडिया बैंक से, इंडियन बैंक से उधार लीजिए रुपया और येन खरीद के पेमेंट कर दीजिए, कितना देना पड़ेगा? 18% पर है। या तो जापानी बैंक से उधार ले लीजिए, 2% तो इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, साथ में कमीशन भी देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 2% फॉर 12 मंथ, तो 6 महीने का 1%। अब ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर्स दिख रहा है, हालांकि उतना कॉन्सेप्ट में हमें जाना नहीं, पर समझने की कोशिश करना। आईआरपी क्या बोलता? आईआरपी में थोड़ा सा पढ़ा होगा, मुझे ऐसा लगा। आईआरपी सर ये बोलता है कि जहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो वहाँ की करेंसी फ्यूचर में स्ट्रांग होगी, यही बात है। अब इस क्वेश्चन में देखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में कितना है? 18% पर एनम दिख रहा है आपको, 18% पर एनम। जापान में कितना है? 2% पर एनम। बताओ कहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है? सर जापान का। तो बताओ येन स्ट्रांग होना चाहिए जहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। अब अगर यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है? आज रेट है ₹100 = 340 येन, मतलब ₹100 में 340 येन मिलता है, ठीक है, और 6 महीने बाद ₹100 में 345 येन मिलेगा। आईआरपी फेल हो गया। आईआरपी क्या बोलता है? आईआरपी के हिसाब से जो ₹100 में 340 येन आज मिल रहा था, उसी ₹100 में ज्यादा येन मिलेगा, रुपया स्ट्रांग हो रहा,
दिक्कत है ना इस क्वेश्चन में, सीधी सीधी बात है, पर ठीक है, हमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं करना, हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट में, हमारे पास दो ऑप्शन है, इंडियन बैंक से उधार ले 6 महीने के लिए, या तो फिर जापानीज बैंक से उधार ले। इंडियन बैंक से उधार लेते हैं तो इंटरेस्ट जाएगा, जापानीज बैंक से उधार लेते हैं तो इंटरेस्ट तो जाएगा ही जाएगा, साथ में क्या जाएगा, कमीशन रह जाएगा। तो बस क्वेश्चन में यही बोला है कि विच ऑफ द, कौन सा ऑफर हमारे लिए ज़्यादा अच्छा, विच ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, 12.5। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसको, हालांकि सॉल्यूशन होगा आपके पास, पर मैं यहां अपने तरह से लिख के समझा दूं तो वह ज्यादा अच्छा। हम इस क्वेश्चन को अब करने जा रहे हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहला लेते हैं, कहां से ले ले, तो ऑप्शन नंबर 1 लिख देता हूं, ऑप्शन नंबर 1, लोन फ्रॉम, कहां से, इंडियन बैंक। ये हमारा है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है सर। तो अब देखते हैं कि क्या हो रहा है, अब लोन अमाउंट, हमें कितना लोन चाहिए, लोन अमाउंट, हमें लोन चाहिए कितना, येन 3400 लैक्स, येन में है, पर हमें तो इंडियन बैंक से उधार लेना है, तो यार सवाल ही पैदा नहीं होता कि येन में लोन मिलेगा, तो क्या लिखेंगे, लोन अमाउंट इज रुपीस, कब लोन ले रहे हैं, आज, तो कब का रेट लेना पड़ेगा हमें, आज का रेट, स्पॉट रेट, रेट किसका दिया है, रुपीस का, तो पक्का डिवाइड होगा, इट मीन्स येन 3400 लैक्स। सिंपल सी बात है, अगर येन 340 आता, 340 येन आता है 100 रुपये में, तो 3400 लैक्स आएगा कितने में, 1000, तो यहाँ क्या जाएगा, येन 340 इंटू 100, तो यहाँ आ जाएगा रुपीज 1000 लैक्स, ठीक है, यहाँ तक 1000 लाख। बाकी आप चाहो तो आप ऐसा कर दो, 1 रुपये बराबर येन 3.4, उसके हिसाब से आप कन्वर्ट कर लीजिए, ये कोई इश्यू नहीं, यूनिटरी मेथड आपको आती है बचपन से। तो कितना रुपया उधार लेना पड़ेगा भाई, 1000 लाख रुपए, कहाँ से, इंडियन बैंक से, कितने मंथ के लिए, 6 महीने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% पर एनम, क्वार्टरली रेस्ट, क्वार्टरली रेस्ट का मतलब 3 माह तक इंटरेस्ट, उसके बाद जो प्रिंसिपल 1000 और 3 महीने का जो इंटरेस्ट है, उन दोनों को जोड़ के उस पे इंटरेस्ट, बेसिक चीज है। साहो तो टाइम पास कर सकते हो, पहले 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर और एक बार 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर ऐड कर देंगे, पर उतना टाइम हमारे पास नहीं, हम सीधा भी काम कर सकते, तो मैं सीधा सीधा काम करवा रहा हूं। अमाउंट पेबल आफ्टर 6 मंथ, 1000 लाख। अब फैक्टर निकाल लो, कंपाउंडिंग तो 18% 18% है 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना, 18 × 3/12, 4.5%। तो हम क्या कर सकते, 3 महीने का रेट है तो फैक्टर ले लेते 1.045, 4.5%, तो 1.045 कितने बार कंपाउंडिंग करना, 3, 2 बार, तो यहां जाएगा स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, बस ये लिख लेते हैं, तो 1.045 इंटू इक्वल टू इंटू 1000, तो ये आ गया रुपीस 1092.03 लैक्स। तो सिंपल है, हमें कुछ करना नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ये पेमेंट कब जाएगा बता सकते हो, 6 महीने बाद, अगर हम कहाँ से उधार लेते हैं, इंडिया से उधार लेते हैं, तो पहला वाला काम तो हमारा खत्म हो गया, किधर वाला काम खत्म हो गया हमारा, ये वाला काम खत्म हो गया, अब बस ये वाला काम बता, अगर हम जापान से उधार ले तो क्या होगा, तो चलो समझते हैं इसको कि क्या करना। चलो जी बात करते हैं, तो अब यहां जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
ऑप्शन नंबर टू आएगा लोन फ्रॉम, कहां से उधार लेते हैं? जापान। सर तो जो जापान से हम उधार लेंगे वो 2% पे उधार लेंगे? यस सर। करेंगे क्या, जापान से उधार लेकर हम सीधा पार्टी को पेमेंट कर देंगे। कितना उधार लेंगे? जितने की जरूरत है, येन 3400 लाख। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखोगे लोन अमाउंट येन 3400 लाख। कहां से उधार ले रहा है? जापान से। जापान वाले को 1 साल का 2%, तो 6 महीने का 1%। बाकी तो आप डेज के हिसाब से कर लीजिए, 180 डेज डिवाइडेड बाय 365। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। पीएम में कैसे कर रखा? पीएम में 180 दिन का इंटरेस्ट लिया, 180 डे डिवाइडेड बाय 365। अगर मैं पीएम को फॉलो करूं, पर यार इतना तो कॉमन सेंस ले लो कि ठीक है, 1 साल में 360 दिन ले लिया मैंने, क्या फर्क पड़ रहा, मैं सीधा काम कर रहा हूं। इट मीन्स आप 180 दिन का भी इंटरेस्ट ले सकते हो। मैं कह रहा हूं अमाउंट पेबल इन ये 3400 1.01, तो कितना आता है 3400 × 1.01? तो ये आ गया येन 3400 लाख। इतना पेमेंट करना है जी। कब करना है सर? ये पेमेंट करना 6 महीने बाद। कहाँ करना है सर? जापान में, जापान वाली बैंक। तो भैया रुपया चाहिए उसके लिए, और मैं ये मान के चल रहा हूँ 6 माह बाद मेरे पास रुपया आ जाएगा। तो किस हिसाब से कन्वर्ट होगा? 6 महीने वाले रेट, मतलब इस रेट से कन्वर्ट होगा। तो अब यहाँ क्या लगूंगा, अमाउंट पेबल इन रुपीस, नहीं ये येन है, यहाँ गड़बड़ हुआ है, यहाँ आपको यहाँ येन, ये रुपीज नहीं है बेटे, ये येन, येन में आएगा ना येन। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? हमको करना येन 3434 लाख डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे होगा 345, और मल्टीप्लाई किससे होगा 100। तो देख लेते कितना रुपया आ रहा है, 3434 डिवाइडेड बाय 345 इंटू 100, तो ये आके रुपीज में 995.36 लाख। ठीक है, तो सर एक बात बताओ, इंटरेस्ट वाला तो काम हो गया बिल्कुल। सामने वाले से मैंने सीधा सीधा पैसा लिया, येन में उधार लिया, उधर पेमेंट कर दिया, और वहाँ जैपनीज बैंक को 6 महीने बाद जितना येन का पेमेंट करना था उतना येन खरीद लिया। कितना येन का पेमेंट करना था? 3434, और उतना येन खरीदना मुझे फॉरवर्ड रेट पे, ये तो फिक्स ही है, तो 345 के हिसाब से मैंने खरीद लिया। तो मुझे टोटल पेमेंट कितना करना पड़ा? 995। यहां तक सीधा दिख रहा है भैया, जापान से उधार लो ज्यादा अच्छा, 2% और 18% अंतर तो दिख ही रहा है। लेकिन और एक समस्या है, अब इसमें और एक चीज नहीं चल जल्दी, क्या कमीशन भी तो देना पड़ेगा भाई? आपको उधर तो गया पेमेंट, साथ में कमीशन का भी तो चक्कर है। कमीशन किसको देना? इंडियन बैंक को देना, क्योंकि उसने लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू किया था। तो चलो एक चीज और काम बचा, किस चीज का काम बचा? कमीशन। तो चलो कमीशन लिखते हैं, इट मीन्स इसमें कमीशन और आएगा। ठीक है सर, सर कमीशन कितना आएगा बस इतना बता दो जी। देखते हैं कमीशन कब पेमेंट होगा, कमीशन 6 महीने बाद कि आज? सर इंडियन बैंक गारंटी दे रही है, जी हाँ, तो इंडियन बैंक को कमीशन कब देना? आज, 6 महीने बाद नहीं, आज। सर तो कमीशन कितना परसेंट लिखा है? कमीशन कितना? 2%, पर 12 महीने का है 2%, हमको 6 महीने का निकालना है। अच्छा सर, तो मतलब 1%? यस 1%। सर 1% किस पे निकाले? लोन अमाउंट पे। लोन कितने रुपए का लोन है? 3400 लाख, तो इसी पे तो निकलेगा कमीशन। तो लिखते कमीशन इन येन 3400 × 1%, तो ये आ गया येन 3400 लाख। कोई दिक्कत नहीं है, रख
सर एक बात और है, जो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक जिसने जो गारंटी दिया था वो तो इंडिया की है, तो उसको हम येन में थोड़ी ना पेमेंट करेंगे। हाँ, उसे किस में पेमेंट करेंगे? रुपीस में। और जो आपने कमीशन निकाला वो किस में निकाला है? येन में। तो अब आपको कमीशन किस में निकालना पड़ेगा? आपको कमीशन निकालना पड़ेगा रुपीस में, रुपीस में कमीशन कैलकुलेट करना। ठीक है, तो सर इसका मतलब येन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस। और कमीशन कब पेमेंट होना? आज। तो आज का रेट मालूम है। अब हम क्या कर रहे हैं, कमीशन इन रुपीस, येन 3400 लैक्स डिवाइडेड बाय आज का रेट कितना है, 340 × 200, तो ये कितना आएगा देख लेते हैं। ये तो 10 लाख दिख रहा है, फिर भी देख लूँ। 34 डिवाइडेड बाय 340 × 100, तो 10 लाख रुपए का कमीशन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत होती भी नहीं, अगर सुनो बेटे प्रॉब्लम नहीं जाती तो। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। ठीक है सर, खत्म क्वेश्चन, खत्म, बस एक समस्या बची हुई, बाकी क्वेश्चन खत्म हो गए। सर कैसे? अगर मैं जापान से उधार लेता हूं तो मुझे 995 लाख रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा उधर। हाँ सर, कमीशन भी देना पड़ेगा, कितना रुपए, 10 लाख। ठीक है ना सर, इन दोनों को जोड़ देंगे। हाँ हो जाता बेटे, लेकिन एक समस्या, बस एक समस्या सुनना। ये जो पेमेंट है जो आप इंडियन बैंक से उधार ले रहे हो, इंडियन बैंक से ये जो पेमेंट है ये कितना दिख रहा है, 99 109, ये पेमेंट कब जाएगा? सर 6 महीने बाद जाएगा। ओके, ये वाला पेमेंट कब जाएगा? ये वाला सर, वो जापान वाले को देना है सर, ये भी 6 महीने बाद जाएगा। ओके, ये पेमेंट कब जाएगा? ये सर आज जाएगा। कंपैरिजन कैसे हो सकता, सोच के बताना। ये आउटफ्लो है 6 महीने बाद का, ये भी आउटफ्लो है 6 महीने बाद का। ये आउटफ्लो तो अभी का है, उसको भी तो कंपैरिजन करना है, तो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपैरिजन कर सकते हो ना आप। तो इसको भी आपको 6 महीने तक पहुंचाना पड़ेगा। आज है 10 लाख, उसको तो आपको फ्यूचर का निकालना पड़ेगा। अच्छा सर, तो क्या करें? ये मान के चलो कि जो कमीशन है, कमीशन कमीशन का कितना रुपया लग रहा है, 10 लाख रुपए हम उधार लेकर पेमेंट कर देंगे। मुझे 6 माह बाद का मुझे कंपैरिजन करना है। तो सर आपके पास कमीशन के लिए भी पैसे नहीं है? पैसा बेटे मुझे कंपैरिजन करना बस ना। तो सर 10 लाख रुपए उठाना पड़ेगा उधार। हाँ, कहाँ से उठाओगे? इंडिया से। और इंडिया में रेट क्या चल रहा है, 18% पर एनम क्वार्टरली कंपाउंडेड। तो सर कमीशन भी अब विथ इंटरेस्ट आएगा। यस, कमीशन कितना रुपए उठाओगे, 10 लाख, आज 1.045 पावर क्या हो जाएगा, 2, तो ये 6 महीने बाद का हो जाएगा कमीशन। 1.045 × 10, तो ये कमीशन आ गया ₹10.92 लाख। क्या अब कंपैरिजन किया जा सकता है? यस, अब कंपैरिजन किया जा सकता। सुनना, ये पैसा कब जा रहा है, 6 महीने बाद। ये पैसा कब जा रहा है, 6 महीने बाद। और ये, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो टोटल कैश आउटफ्लो कितना आएगा, कैश आउटफ्लो 995.36 + 10.92, टोटल कितना आ रहा, 995.36 + 10.92, तो टोटल आ गया ₹100.06.28 लाख। ठीक है जी। बस अब मुझे इतना बता दो, अगर मैं इंडिया से उधार लेता हूं तो 1092 लाख से जा रहा है, अगर मैं जापान से उधार लेता हूं 6 महीने बाद, अगर मैं जापान से उधार लेता हूं तो इतना जा रहा है और इतना जा रहा है, दोनों मिलाकर, ये दोनों मिलाकर इतना रुपए जा रहा है, कितना जा रहा है, 1006 लाख। तो बताओ कौन सा ऑप्शन अच्छा है? सर कोई शक ही नहीं है, लोन फ्रॉम जापान इज बेटर। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सर, हमको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ जा सकता है, प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह जा सकता है, कमीशन में।
कमीशन में खेल खेला है। कमीशन में सर आपने क्यों इंटरेस्ट जोड़ा? एक ही वजह है कि मुझे कंपैरिजन करना है, मेरे दोनों ही आउटफ्लो 6 माह बाद का दिखना चाहिए, इसलिए मुझे कमीशन में इंटरेस्ट ऐड करना पड़ा। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को देखकर जाइए। अभी भी मैं बोल रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कमेंट्स में लिखते जाइए, मैं डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुश्किल क्वेश्चन जितने भी है सब आप कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।